नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसे आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इंट्राडे सभी में काफी हेल्पफुल होगा, वो है एमएसडी। दोस्तों एमएसडी एक लीडिंग इंडिकेटर है। हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं दो टाइप के, एक लैगिंग इंडिकेटर और एक लीडिंग इंडिकेटर। तो जो एमएसडी हो गया, आरएसआई हो गया, ये आपका लीडिंग इंडिकेटर है। वहीं मूविंग एवरेज जो हम यूज करते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर है। तो आज हम बात करेंगे एमएसडी के बारे में, जो कि एक लीडिंग इंडिकेटर है। जो लीडिंग इंडिकेटर एमएसडी हम यूज करते हैं, ये आपको बताता है कि आने वाला जो ट्रेंड है वो किस तरह का होने वाला है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या मार्केट साइडवेज होगा। तो इन सभी बातों का जो है प्रिडिक्शन आप जो है कर सकते हैं इस इंडिकेटर के मदद से, जैसे आरएसआई हो गया आपका और एमएसडी हो गया। तो बहुत बार मैंने आरएसआई की चर्चा किया, इस वीडियो में हम एमएसडी की चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट चार्ट है। जितना टाइम फ्रेम आपका बड़ा होगा इंडिकेटर, उतना ही अच्छा आपका काम करेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जो एमएसडी की यूज करते हैं तो काफी अच्छा ये आपको इंडिकेशन देगा यहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन वहाँ पे क्या बता रहा है। तो जो प्राइस एक्शन होता है उसको अगर कंबाइन कर देते हैं इंडिकेटर के साथ तो काफी अच्छा, मतलब आप यहाँ पर रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हम एमएसडी को लगाए हैं। एमएसडी का जो ये ब्लू लाइन है, ये हमारा जब ये रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो वो हमारा ऊपर से नीचे क्रॉस करे तो वो सेल सिग्नल होगा। दूसरा इसमें है यहाँ पर हिस्टोग्राम, इसमें जो आपको ये ग्रीन कैंडल दे रहा है कि मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, और ये जो रेड कैंडल है ये दिखाता है कि प्राइस नीचे आने वाला है। और जब ये एमएसडी क्रॉस करे, इसमें से ये हमारा एमएसडी लाइन फास्ट लाइन है और ये स्लो लाइन है। तो नीचे वाले रेड लाइन को सिग्नल लाइन कहते हैं और ऊपर जो ये हमारा है एमएसडी लाइन है। तो एमएसडी लाइन मतलब ये ब्लू लाइन को हमने रखा है। तो ब्लू लाइन जब ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा रेड लाइन को तो वो हमारा सेल सिग्नल होगा, और जब यही नीचे से क्रॉस करेगा, यहाँ देख लीजिए पिछले दिन हम चलते हैं तो यहाँ नीचे से क्रॉस करेगा तो ये हमारा बाय सिग्नल होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाय सिग्नल दिया था पिछले दिन, यहाँ पर बाय सिग्नल दिया तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिला। यहाँ पर फिर ये आज सेल सिग्नल दिया, जब यहाँ पर सेल सिग्नल आया तो प्राइस एक्शन आपको देखना है। प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं कि आज का जो ये एवरेज हाई रेंज है, ये है एवरेज हाई रेंज, प्राइस इसके आसपास होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेल सिग्नल मिला, ये पहले से यहाँ पर कई बार छोटा मोटा क्रॉस इसमें हुआ, लेकिन मुख्य रूप से क्रॉस कब मानेंगे कि ये क्रॉस किया जब इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो। यहाँ पे भी क्रॉस किया था लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ा, तो जैसे यहाँ पर सेल सिग्नल आया तो आप अगले कैंडल का इंतजार करेंगे। तो अगला कैंडल देखिए इसके नीचे बन रहा है, तो प्राइस एक्शन को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जैसे इसके नीचे बना और यहाँ पर हमको सेल सिग्नल मिल चुका है तो यहाँ डिस्टेंस के बीच बढ़ने लगा तो यहाँ पर आप सेल ट्रेड लेंगे। फिर आप यहाँ पर डे का जो लो है, डे लो पर अपना जो है टारगेट लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डे लो पर आप अपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो अच्छा खासा इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। ट्रेड में बने भी रहते तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से यहाँ पर एग्जिट करने का मौका दिया आपको। तो प्राइस एक्शन को भी ध्यान में रखना है कि एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है। इंडिकेटर बस आपको एक हेल्प करता है कि आपका जो डिसीजन है वो कितना करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये प्राइस रेंज जो है ऊपर का है और ये रेंज जो है प्राइस का नीचे का रेंज था, तो यहाँ पर हम कभी भी सेल करने सोचेंगे तो इसमें हमारा इंडिकेटर जो है सेल का सिग्नल यहाँ पे आके दिया। तो यहाँ पर जब सेल सिग्नल आ चुका है हमारे इंडिकेटर में, तो जब भी प्राइस हमारे इस रेंज पे होगा तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, और जो डे का लो बना रहा है यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर जब भी होगा तो हम प्रॉफिट को बुक करेंगे। उसी तरह से पीछे चलते हैं तो जो बैक टेस्टिंग होता है, आप बैक टेस्टिंग से उसको मतलब पहले आप देख सकते हैं कि क्या वो इंडिकेटर काम करता है, कितना सही करता है, कितना एक्यूरेट रहता है, क्योंकि किसी भी इंडिकेटर का एक्यूरेसी आपको 100% नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन उस समय क्या कर रहा है। तो जब प्राइस एक्शन के साथ आप इंडिकेटर का यूज करते हैं तो वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है, एक्यूरेसी काफ़ी बेहतरीन होगा उस इंडिकेटर का। और यहाँ पर देख लीजिए एक्सपायरी के दिन एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर, मतलब 1000 पॉइंट नीचे आया मार्केट, फिर 1000 पॉइंट ऊपर मूव किया। तो यहाँ पर देख लीजिए अभी तक ये इसके बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे घट रहा है एमएसडी और लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का। साथ ही साथ ये हिस्टोग्राम भी बता रहा है यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है कि यहाँ पर धीरे धीरे, ये एक बात यहाँ पर आ जाती है, हिस्टोग्राम ऊपर बने, हिस्टोग्राम जो है ऊपर बने ये तो समझिए कि मार्केट बुलिश है, और नीचे बने तो समझिए मार्केट बेयरिश है। तो मार्केट यहाँ पर
एमएसएडिक्ट यहाँ पर बता रहा है कि मार्केट में जो है बुलिश आने वाला है, मतलब जो बियरिश मूवमेंट है वो धीरे 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 कम हो रहा है। और यहाँ पर ये एमएसएडी और सिग्नल लाइन के बीच का डिस्टेंस भी कट रहा है, वो भी बता रहा है कि जो ये ट्रेंड है ये धीरे धीरे डाउन ट्रेंड वीक हो रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब लास्ट होने वाला है, अब खत्म होने वाला है। और यहाँ पर ये लाइन क्रॉस कर गया तो यहाँ पर ये क्या दे दिया, बाय सिग्नल। तो यहाँ पर एमएसएडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर गया तो यहाँ पर आप बाय करेंगे। और यहाँ पर हिस्टोग्राम भी देख लीजिए, अब ट्रेंड हो गया तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। तो इस तरह से आप जो है काफ़ी इंडिकेटर के द्वारा जो है आप अच्छे अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। इंडिकेटर आपको ये लीडिंग इंडिकेटर है, तो लीडिंग इंडिकेटर पहले से बता देता है कि जो ट्रेंड है ये वीक हो रहा है, मतलब आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके हट कर जाइए क्योंकि ट्रेंड अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब पीछे चलते हैं तो आप पीछे इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, जितना चाहे आप उतना पीछे आप इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट खुलते ही यहाँ पर सेल सिग्नल दे दिया, यहाँ पर देखिए मार्केट खुलते ही यहाँ पर सेल सिग्नल, और यहाँ से लगातार मार्केट नीचे आया। तो मार्केट नीचे आया तो देखिए यहाँ प्रॉफिट बुक करने का जब समय आया तो लगातार ये ग्रीन बनने लगा, मतलब बता रहा है कि जो डाउन ट्रेंड है, क्योंकि ये हिस्टोग्राम नीचे बन रहा है तो डाउन ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। तो डाउन ट्रेंड वीक हुआ, यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड जब आया तो अप ट्रेंड में ये कोई बड़ा कैंडल नहीं बना रहा है, लगातार कैंडल राइज करता, अच्छे मतलब बड़ा बड़ा कैंडल बनता तो हम कहते ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तो ट्रेंड अप है यहाँ पर बता रहा है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो क्या हो गया, अप ट्रेंड है इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मार्केट साइडवेज हो गया। तो या तो मार्केट डाउन ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड होगा, या तो साइडवेज होगा। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन प्राइस उतना ऊपर जा नहीं रहा। प्राइस को कब कहेंगे अप ट्रेंड है, जब ये कैंडल ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर दूसरा ग्रीन कैंडल, फिर तीसरा ग्रीन कैंडल, तो हम इसको अप ट्रेंड कहेंगे। यहाँ तो मार्केट साइडवेज हो गया, तो यहाँ मार्केट साइडवेज भी पता कर सकते हैं। अगर ये हिस्टोग्राम काफ़ी छोटा है तो समझिए मार्केट जो है साइडवेज है। और यहाँ पर जो बाय सिग्नल दिया तो उसके बाद बीच देख रहे हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी नहीं बढ़ रहा। अगर ये एमएसडी लाइन लगातार इस ये जो रेफरेंस लाइन है हमारा हिस्टोग्राम का, इसके ऊपर चला जाता है तो समझिए आपका बाइंग जो है अच्छा है, आपका बाइंग जो है बिल्कुल सही हुआ है, आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये जो एमएसडी लाइन है ये ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि ये नीचे ही है, तो यहाँ पर आपको कुछ खास बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। वो भी अंतिम तक आप रहते तो यहाँ पर देखिए लॉस होता, आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर देता। तो इस तरह से एमएसडी का अगर आप यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको सिग्नल मिलता है। एमएसडी हो गया, आरएसआई हो गया, ये एडवांस में आपको सिग्नल देता है कि जो ट्रेंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कब ट्रेंड चेंज होने वाला है वो भी बता देता है। तो ये दोस्तों इंडिकेटर जो है काफ़ी हेल्पफुल इंडिकेटर है, इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई और इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं जिसे आप यूज करके अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।